देश का अपना चैनल बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। सफल किसान कार्यक्रम में हम आपको देश के कोने कोने से उभरती प्रतिभाओं से रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बागवान की जिनकी खेती का पैटर्न आसपास के किसानों को काफी लुभा रहा है। गुजरात में ड्रैगन फ्रूट की खेती करके युवा बागवान कामयाबी की नई मिसाल कायम कर रहे हैं। कैसे शुरू किया इन्होंने ये सफर, जानने के लिए आइए चलते हैं गुजरात। युवा वर्ग वापस से खेतों की तरफ रुक कर रहा है। उच्च शिक्षा लेने के बाद कई युवा अपनी ऊर्जा खेतों में दे रहे हैं और उससे बेहतर परिणाम भी ले रहे हैं। ऐसे ही एक युवा किसान है मेहुल, जो गुजरात के नवसारी जिले के एक छोटे से गांव में अपनी सोच को ऊंची उड़ान दे रहे हैं। आज उनका खेत और उसमें किए गए अलग प्रयोग बाकी युवाओं के लिए एक प्रेरणा का काम कर रही है। मेहुल बताते हैं कि उन्होंने बीकॉम करने के बाद 10 साल तक प्राइवेट नौकरी में समय दिया, लेकिन मेहुल इस बात को समझ चुके थे कि इस क्षेत्र में सीमित संभावनाएं ही है, इसीलिए उन्होंने 10 साल बाद अपने खेतों का रुख किया। नौकरी छोड़ने के बाद मेहुल इस उलझन में थे कि अपने 11 एकड़ के खेत में ऐसा किया क्या जाए जो परंपरा से हटकर अच्छी पैदावार और मुनाफे दे सके। इसके लिए मेहुल ने सोशल मीडिया का सहारा लिया, यूट्यूब पर कई वीडियो देखे, तब जाकर उन्हें ड्रैगन फ्रूट की खेती का आइडिया अच्छा लगा। इसे सफल बनाने के लिए मेहुल ने विशेषज्ञों से राय ली। मैंने बीकॉम का स्टडी किया था पहले, उसके बाद मैंने मल्टीनेशनल कंपनी वोडाफोन में 10 साल तक काम किया। वो वोडाफोन बंद होने के बाद सोचा कि कोई दूसरी जॉब ढूंढते, लेकिन सोचा कि घर पे काफी ज्यादा लैंड थी तो सोचा कि एग्रीकल्चर में चलते। ड्रैगन फ्रूट की खेती के बारे में सोचा, फिर हमने वो नवसारी यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट किया तो उन्होंने पूरा ड्रैगन फ्रूट का हमको माहिती दिया कि ड्रैगन फ्रूट किस तरह से लगाते हैं, कौन सा सॉइल है, उसके लिए सॉइल टेस्ट करवाया। तो सॉइल टेस्ट के बाद उन्होंने बताया कि कितना डिस्टेंस ड्रैगन फ्रूट में रखना पड़ेगा, दो पौधों के बीच का गैप क्या रहेगा, और वो हिसाब से हमने 12x8 में पहले साल वो प्लानिंग किया। और फिर उन्होंने बताया कि जो बीच में जो जगह भी वेस्ट हो रही है तो उसके अंदर आप इंटरक्रॉप भी कर सकते हैं। तो इंटरक्रॉप में हमने फर्स्ट ईयर वाटरमेलन लिया, दूसरे साल हमने मिर्च की खेती की, तो एक ही खेत में हमने 2-3 पैक ले लिया और वो ड्रैगन फ्रूट को डिस्टर्ब भी नहीं, और दूसरे वेजिटेबल से भी हमने एक्स्ट्रा इनकम अर्न की है। और ड्रैगन फ्रूट में वो यूनिवर्सिटी में हमको पूरा माप बाप सब वहाँ से ही मिला कि 12x8 का आप ड्रैगन फ्रूट लगा सकते हैं, कौन सा सॉइल चाहिए और एक पोल पे कितने पौधे लगाने के, उसके ऊपर का स्ट्रक्चर कैसा चाहिए, उस स्ट्रक्चर का माप उन्होंने दिया, वो हिसाब से हमने वो पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया और वो ड्रैगन फ्रूट का प्लानिंग किया। हम मेहुल जी के खेतों का रुख करें, इससे पहले आइए जानते हैं ड्रैगन फ्रूट के बारे में। ड्रैगन फ्रूट कैक्टस फैमिली का पौधा है, इसे पिता याया कमलम भी कहा जाता है। इसका तना गुदेदार और रसीला होता है। इस फल में
एंटीऑक्सीडेंट, फ्लेवोनॉइड, फेनोलिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, फाइबर और एंटी इंफ्लेमेटरी एलिमेंट्स होते हैं, जिसकी चार किस्में हैं: लाल ड्रैगन फ्रूट, गहरा लाल, व्हाइट लाल, पीला ड्रैगन फ्रूट। इनकी बाजार में अच्छी मांग है। हालांकि भारत में ड्रैगन फ्रूट की खेती को शुरू हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, लेकिन इसकी लोकप्रियता में तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। इसीलिए किसान पारंपरिक फसलों की खेती के साथ मोटा मुनाफा देने वाली फसलें भी लगा रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की खेती की बात करें तो भारत में इसकी खेती महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में शुरू हुई, लेकिन अब ऐसे स्थानों में भी सफल उत्पादन लिया जा रहा है जहां कम उपजाऊ मिट्टी व अपर्याप्त पानी है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में इसकी अच्छी पैदावार ली जा सकती है। इसकी खेती करने के लिए सबसे पहले गड्ढे खोदकर विशेष प्रकार से बने कंक्रीट के खंभे गाड़े जाते हैं। दो खंभों के बीच की दूरी 2 मीटर होनी चाहिए। उसके बाद मिट्टी चढ़ाकर हर खंभे के पास 4 पौधे रोप दिए जाते हैं। अप्रैल जुलाई के माह में रुपाई कर पानी दे दिया जाता है। फिर टपक सिंचाई विधि से इसमें जरूरत के हिसाब से समय समय पर सिंचाई की जाती है। हर माह गोबर या रासायनिक खाद डालते रहे, समय समय पर खरपतवार हटाते रहे। कुछ दिन बाद इसकी जड़ें खंभों को जकड़ने लगती हैं और 8 माह में पौधे खंभों के बराबर हो जाते हैं। रुपाई के 16 माह बाद पौधों पर छोटे छोटे उभार बनने लगते हैं। यही उभार पहले कलियों का रूप लेते हैं और फिर फल का। रुपाई के 18 माह बाद जब फल पूरी तरह गुलाबी हो जाएं, तो इनकी तुड़ाई कर ली जाती है। 1 एकड़ से करीब 3600 किलो तक पैदावार ली जा सकती है। ये तो हो गई ड्रैगन फ्रूट से जुड़ी हुई कुछ अहम जानकारियाँ। आइए जानते हैं कि मेहुल जी ने खेती के लिए ड्रैगन फ्रूट को ही क्यों चुना। मेहुल जी के पास जो 11 एकड़ की भूमि है, उसमें वो 2 तरह की खेती करते हैं, जिसमें फल उत्पादन और सब्जी उत्पादन मुख्य है। उनकी कुल भूमि में कुछ हिस्सा ऐसा भी है जो कम उपजाऊ है। इस भूमि पर खेती या बागवानी करने के लिए मेहुल ने नवसारी कृषि विश्वविद्यालय में विशेषज्ञों से संपर्क किया, जहां उन्हें सबसे पहले मृदा परीक्षण की सलाह दी गई। हमारे देश में केंद्र सरकार ऐसी कई योजनाएं ला चुकी है जो किसान को हर तरह की सहूलियत देने में मददगार साबित हो रही है। उन्हीं में से एक है मृदा परीक्षण योजना, जो सीधे तौर पर मिट्टी की सेहत से जुड़ी है। अगर खेत की मिट्टी सेहतमंद होगी तो पैदावार भी अच्छी मिलेगी। योजना के माध्यम से सरकार बीमार मिट्टी की सेहत सुधारने पर खास ध्यान दे रही है, जिसके तहत मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनाए जाते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड एक प्रिंटेड रिपोर्ट है, इसे किसान को उसकी हर जोत के लिए दिया जाता है। इस कार्ड को मिट्टी की जांच के बाद तैयार किया जाता है। स्वास्थ्य कार्ड में खेत की मिट्टी की पूरी जानकारी लिखी होती है, जैसे मिट्टी में किन किन पोषक तत्वों की कितनी कितनी मात्रा है और कौन कौन सा उर्वरक अपने खेत में डालना चाहिए। अब तक देश में 25 करोड़ से अधिक मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए जा चुके हैं। वहीं देश भर में करीब 11,500 नई मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं संचालित की जा रही है। मेहुल जी ने भी इसी योजना का लाभ लिया और मिट्टी परीक्षण के बाद विशेषज्ञों ने उन्हें ड्रैगन फ्रूट की खेती करने की सलाह दी। मेहुल जी ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत पहले 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट की खेती शुरू की, लेकिन शुरुआती मुनाफे ने दायरे में इजाफा किया और अब करीब 5 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट लगाए गए हैं। ड्रैगन फ्रूट का हमने प्लानिंग किया, प्लानिंग में हमने वो पहले 1 एकड़ का पायलट प्रोजेक्ट लगाया और 1 एकड़ में सक्सेस होने के बाद हमने अभी नया 4 एकड़ में नया दूसरा प्रोजेक्ट किया है। अभी टोटल हमारा ये 5 एकड़ का ड्रैगन फ्रूट का फार्म है और इसमें हमको गुजरात सरकार की तरफ से अभी 50% सब्सिडी का भी हमने अप्लाई किया है, जो नेक्स्ट मंथ हमको मे बी प्रोवाइड सरकार की तरफ से हो जाएगा। और ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो इसमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन ये नवसारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हम लोग वो लैब में कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो कटिंग करके भेजते हैं, तो उसका सॉल्यूशन नवसारी यूनिवर्सिटी से हमको मिल जाता है। सब
सफल किसान कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे इंटरक्रॉपिंग के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी मसाले। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से मेहुल जी के खेतों का रुख करते हैं इनके खेती के तरीकों को समझने के लिए। मेहुल जी ने अपने 11 एकड़ की भूमि को इस तरह से बांटा है। 5 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट, 2 एकड़ में आम, 4 एकड़ में बैंगन की खेती कर रखी है। इसके बाद भी मेहुल ने ड्रैगन फ्रूट की 2 कतारों के बीच के हिस्से को उपयोग करने के लिए विशेषज्ञ से संपर्क किया, जिसमें उन्हें सलाह मिली कि वो तरबूज और मिर्च की खेती कर सकते हैं। इससे उन्हें बढ़िया मुनाफा मिला। विशेषज्ञ इस तकनीक को इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इसमें खेत के खाली हिस्सों में फसलें लगाकर लाभ लिया जा सकता है। जायद सीजन में मूंग, उड़द, सूरजमुखी, मूंगफली, मक्का, चना, हरा चारा, कपास, जूट आदि की खेती की जा सकती है। जिन फसलों की बुआई कतारों में की जाती है उसमें बचने वाले स्थान का प्रयोग सह फसलें लगाने में किया जाता है। जैसे किसान जब बसंत कालीन गन्ने की बुआई करते हैं तो 2 कतारों के बीच के स्थान को खाली छोड़ देते हैं, लेकिन अब किसान उस स्थान पर सह फसलें लगाकर बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं। बसंत कालीन गन्ने के साथ किसान दलहनी तिलहनी फसलें भी लगा सकते हैं। इसके अलावा मटर, मसूर, सरसों, गेहूं, बेल वाली सब्जियां जैसे घिया, तोरी, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा, चप्पन कद्दू भी लगा सकते हैं। सह फसलों की सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें अलग से कोई प्रयास नहीं करने पड़ते, बस मुख्य फसल के साथ सह फसलों पर भी थोड़ा सा ध्यान देना होता है। हालांकि फसल का चुनाव करते समय ये जरूर ध्यान रखें कि इससे मुख्य फसल के उत्पादन पर असर ना हो। हालांकि इसका लुभावना पक्ष ये भी है कि कभी कभी इन फसलों से मुख्य फसल की लागत निकल आती है। यहाँ पे मेरा टोटल 11 एकड़ लैंड है। 11 एकड़ में हमने 5 एकड़ में अभी ड्रैगन फ्रूट लगाया है और 2 एकड़ में हमारा बाउंड्री पे वो आम का पेड़ है और बाकी का जो 60 एकड़ बचा उसमें 60 एकड़ में हमने अभी बैंगन का खेती लगाया है। इन फ्यूचर हम अभी सोच रहे हैं कि इसके अंदर अंजीर का खेती करें, तो ट्रायल बेस पे हमने 8-10 पौधे अंजीर का भी लगाया, तो अंजीर का की ग्रोथ यहाँ पे काफी बढ़िया हो रहा है। और एक अमरूद की वैरायटी है ताइवान पिंक करके, तो वो ताइवान पिंक का हमने वो ट्रायल बेस पे थोड़े बहुत पौधे लगाए है। तो इन फ्यूचर हम 2-2 एकड़ का पूरा वो फ्रूट का ही प्रोसेस सोच रहे हैं कि पूरा फ्रूट का ही प्रोडक्शन करें। तो फ्रूट में क्या है कि इनकम काफी अच्छी है और फ्रूट का प्रोडक्शन भी बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है और मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है फ्रूट में। अब तक हमने मेहुल जी की खेती के बारे में बात की, चलिए अब उत्पादन और मुनाफे की भी बात कर लेते हैं। मेहुल बताते हैं कि उनके लगाए ड्रैगन फ्रूट के पौधे महज 8 माह में फल देने लगे थे। हालांकि अब इन पौधों को 4 साल हो गए हैं, जिनसे 4 साल में 4 बार उत्पादन मिल चुका है। पिछले साल 20 टन उत्पादन मिला, इस साल 30 टन उत्पादन का अनुमान। मेहुल बताते हैं कि बाजार में इस फल का दाम कभी कम नहीं होता, बस तुड़ाई और पैकिंग करते समय सावधानी बरतनी होती है। अगर बाजार में फल का दाम गिर भी जाता है तो वो कम से कम 100 रुपए प्रति किलो के भाव से आसानी से बिक जाता है, जिससे खेती में किया गया खर्च और मुनाफा दोनों ही मिल जाते हैं। जहाँ पे हम पिछले 4 साल से ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहे हैं और काफी अच्छा प्रोडक्शन पिछले 4 साल से ले रहे हैं। ड्रैगन फ्रूट की बात करें तो ये ड्रैगन फ्रूट की शोध अमेरिका में हुई और उसके बाद ये पूरे अभी गुजरात में चल रहा है, काफी जोर से चल रहा है ड्रैगन फ्रूट का खेती। और सबसे ज्यादा इनकम अभी एग्रीकल्चर की बात करें, ड्रैगन फ्रूट में एग्रीकल्चर इनकम भी बहुत ज्यादा है और ये लगाने के 8 महीने में ड्रैगन फ्रूट स्टार्ट हो जाता है। ये हमने 4 साल पहले लगाया था, तो 4 साल में हमने 4 बार इसका प्रोडक्शन ले लिया
और लास्ट ईयर की बात करें तो हमने इसमें से 20 टन माल निकाला था, और 2023-24 की बात करें तो इस साल हमको मेरे हिसाब से 30 टन के आजूबाजू उत्पादन मिलेगा। और अभी मार्केट रेट की बात करें तो मार्केट रेट अभी लो है, लेकिन फिर भी 150 रुपये पर केजी हमारा मार्केट में बिक रहा है, और ये ड्रैगन फ्रूट हम नेक्स्ट 25 ईयर और खेती कर सकते हैं। मेहुल जी अपनी खेती से काफी संतुष्ट हैं, लेकिन मुनाफे को लेकर इनकी अलग राय है, और इसके लिए वो सोशल मीडिया जैसे असरदार प्लेटफॉर्म्स का भी सहारा ले रहे हैं। कैसे, आइए जानते हैं। बागवानी में अपनी जगह बना चुके मेहुल अब बाजार में भी पकड़ तेज करना चाहते हैं। वो अपने 11 एकड़ के खेत से आम से 1 लाख, ड्रैगन फ्रूट से 30 लाख, सब्जी फसलों से 10 लाख तक की कमाई कर लेते हैं। फलों से मिलने वाले मुनाफे को लेकर मेहुल जी फलों की खेती करने का विचार बना रहे हैं। वो कहते हैं कि फल के पेड़ एक बार लगाने पर लंबे समय तक उत्पादन मिलता रहता है। आने वाले 25 सालों तक वो इसी में फोकस करना चाहते हैं, साथ ही आने वाले समय में अंजीर की खेती भी करेंगे। जैसे ही पाक रेडी हो गया तो सोचा गया इसका मार्केटिंग कैसे करें, तो मार्केटिंग के लिए हमने फेसबुक पर एक वन टाइम पोस्ट अपलोड किया था कि ड्रैगन फ्रूट इज अवेलेबल। तो उसके बाद हमने पहले साल में वो 250 रुपये पर केजी के हिसाब से पूरा माल बेचा। फिर धीरे धीरे जैसे ही प्रोडक्शन बढ़ता गया तभी पूरा प्रोडक्शन हम सूरत में भेज रहे हैं। सूरत में हमको अभी होलसेल में 150 से लेकर 200 रुपये केजी के हिसाब से बिक रहा है, और रिटेल की बात करें तो मेरे हिसाब से 25% इधर फार्म से ही लोग आके ले जाते हैं, और काफी अच्छा रिटेल में हमको रेट मिल रहा है। 250 से लेकर 350 तक हमको रिटेल में इसका रेट मिल रहा है। अभी पूरी सीजन की बात करें तो डेली के हमारे यहाँ पे 40 बंदे रहते जो खीरा, बैंगन, ड्रैगन फ्रूट और आम का काम करते बगीचे में। तो पूरे साल से हमारे हिसाब से देखें तो 40-50 बंदे को इसमें हम रोजगार देते। अभी हम गुजरात राज्य के नवसारी जिले के जो गणदेवी तहसील है उसके दुवाड़ा गांव में हैं, और ये जिस फार्म पे हम खड़े हैं ये मेहुल भाई पटेल का फार्म है। इन्होंने 4 साल पहले 1 एकड़ में ड्रैगन फ्रूट का प्लांटिंग किया, और अभी ये देख सकते हैं आप 4 साल के पौधे हैं, और उसके बाद में इनसे अच्छी इनकम मिली तो इन्होंने 4 एकड़ में और इसका प्लांटिंग किया, और अभी ये जो पौधे हैं ये 4 साल के पौधे हैं, अभी ये 50 किलो फल प्रति वर्ष दे रहे हैं। और ड्रैगन फ्रूट में जो मुख्य जो समय होता है वो मई जून से लेकर अक्टूबर नवंबर तक इसमें सबसे ज़्यादा फल आते हैं इसमें, और ये बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, और जो युवाओं के लिए जो कृषि में रुचि रखना चाहते हैं उनके लिए प्रेरणा का स्रोत हैं श्री मेहुल भाई। और ड्रैगन फ्रूट को तो हम जानते ही हैं कि बाजार में ये भी बेच रहे हैं, ये 150 रुपये प्रति केजी बेच रहे हैं होलसेल रेट में, और रिटेल में 250-200 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बेचते हैं। और ड्रैगन फ्रूट ये गुणों की खान है, और ये इसमें काफ़ी मात्रा में प्रोटीन, विटामिन और मिनरल्स का ये मिलते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा मेडिसिनल वैल्यू भी रखता है ड्रैगन फ्रूट। और ये जो प्लांटेशन अभी जो है ये 12x8 फीट पे कर रखा है, और जो इन्होंने उनका जो नया प्लांटेशन किया है वो इन्होंने 10x8 फीट पर कर रखा है, और ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो रेस बेड लगा रखी है, क्योंकि जो जिस एरिया में अभी है हमको हाई रेनफॉल जोन है, मतलब बरसात यहाँ बहुत ही ज्यादा होती है, तो उससे बचाने के लिए इन्होंने रेस बेड लगा रखी है, रेस बेड पर इसका प्लांटिंग कर रखा है। एक सीमेंट का पोल लगा रखा है, एक पोल के चारों तरफ एक एक पौधा लगा रखा है, मतलब एक पोल पे चार पौधे लगा रखा है, और उनको ऊपर जो है सपोर्ट के लिए कैनोपी डेवलपमेंट के लिए सीमेंट की रिंग लगा रखी है, और फिर इससे नीचे लटकर पौधे आ रहे हैं। तो देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ये मेहुल भाई जी बहुत ही अच्छे सफल किसान हैं, और ड्रैगन फ्रूट की बहुत अच्छी सक्सेसफुल खेती कर रहे हैं, और युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम सफल किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि मेहुल जी के सफलता में नवसारी कृषि विश्वविद्यालय की क्या भूमिका रही। आप बने रहे दूरदर्शन किसान पर। रोज सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए, गोल्डी सब्जी मसाले जहां जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। ब्र-
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम सफल किसान। आइए इस कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेहुल जी की कामयाबी में नवसारी कृषि विश्वविद्यालय की क्या भूमिका रही। भारत में कृषि और बागवानी की जो तस्वीर हमारे सामने है, उसमें सबसे अहम रोल कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्र का है, जो समय समय पर किसानों को सही मार्गदर्शन देकर व उन्हें प्रशिक्षित करके मुनाफे की तरफ ले जाने में कारगर साबित हुए हैं। NAU में कृषि बागवानी, वानिकी, कृषि व्यवसाय प्रबंधन, कृषि इंजीनियरिंग और कृषि जैव प्रौद्योगिकी के अलावा कई तरह की फसलों पर अनुसंधान किए जा रहे हैं, जिससे खेती में आ रही बाधाओं को दूर कर मुनाफे को बढ़ाया जा सके। कृषि विशेषज्ञ किसानों की हर छोटी बड़ी परेशानी में साथ खड़े रहते हैं। हाई डेंसिटी प्लांटेशन से लेकर प्रसंस्करण तक में मार्गदर्शन दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार की योजनाओं ने भी आर्थिक रूप से मदद करके राह को आसान बनाया है। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो नवसारी एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का एक रिसर्च स्टेशन है, जो बेसिकली फ्रूट्स पर काम करता है। उसमें खास करके पपैया, चीकू और बनाना, इस पे हम लोग खास रिसर्च का ऑल इंडिया लेवल का वर्क करते हैं। और फार्मर्स को हम लोग कैसे क्रॉप इम्प्रूवमेंट कर सके, कैसे नई वेराइटी डेवलप करके फार्मर को प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा इनकम ले सके। लास्ट 3-4 साल से हमने ड्रैगन फ्रूट पर भी रिसर्च शुरू किया है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट एज ए गुड रिम्यूनरेटिव क्रॉप है फार्मर्स के लिए। तो उसी में से एक मेहुल भाई है, जो हमारे यहाँ पे गाइडेंस के लिए आते हैं। उनको कुछ भी प्रॉब्लम्स होता है तो हम लोग से शेयर करते हैं, हम लोग भी उसका पूरा स्टडी करके उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। तो लास्ट 4 ईयर से मेहुल भाई हमारे जो हेड है अंकुर भाई पटेल और मेरे से कंटिन्यू कांटेक्ट में है। पास ही यूनिवर्सिटी के हमारे जो रिसर्च सेंटर है गणदेवी का, उसके पास ही उनका फार्म है, जो लगभग अभी 5 एकड़ एरिया में है। बेसिकली उन्होंने ड्रैगन फ्रूट आज से 4 साल पहले शुरू किया था। इनिशियली थोड़ा सा प्लांटिंग कैसे करना है वगैरह उन्होंने सीखा, और उसके बाद उनको जो भी प्रॉब्लम आता है प्लांटिंग के बाद में, समटाइम फंगस का प्रॉब्लम्स आता है, उसमें एंथ्रेक्नोस थोड़ा क्रिटिकल प्रॉब्लम है, उसके अलावा भी समर सीजन में उसमें लीफ स्कॉर्चिंग का जो प्रॉब्लम आता है, तो उसके लिए भी हम लोग टाइम टू टाइम उनको सजेशन करते हैं केओलिन का स्प्रे करने के लिए, या एंथ्रेक्नोस के लिए सुडोमोनास के, और फर्टिलाइजर कब कैसे डालना है। कभी उनको कुछ प्रॉब्लम आता है तो फ्रूट साइज में पोलिनेशन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसके लिए हम लोग सजेस्ट करते हैं। तो देखा आपने, देश का युवा अगर कृषि की तरफ सही कदम बढ़ाए तो वो रोजगार खोजने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बन सकता है। उम्मीद है कि मेहुल जी की कामयाबी की ये कहानी और सफल किसान का आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ जरूर साझा करें। आप हमें ईमेल भेज सकते हैं, ईमेल आईडी है safalkisandidi@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है सफल किसान, कमरा नंबर 77, CBC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। सफलता की इसी तरह की कहानियां लेकर हाजिर होते रहेंगे आपके सामने, लेकिन तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। Favorite show.